जी अब रुख करते हैं लाहौर का। यहाँ पर हमारे सीनियर रिपोर्टर ग्रेट न्यूज नादिर हुसैन कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज पाकिस्तान के सिपा सलार सियासतदान और फखर सम्बड़ियाल एन ए 70 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और टिकट होल्डर ब्रिगेडियर रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद असलम खुमन ने ग्रेट न्यूज लाहौर के सीनियर रिपोर्टर नादिर हुसैन कादरी को यौम दिफा के हवाले से वीडियो पैगाम देते हुए कहा कि 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तानी कौम के लिए एक सुनहरी और तारीखी दिन है। जब दुश्मन मुल्क ने रात के अंधेरे में पाकिस्तानी हदूद और इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की, हमारी अफवाज के जवानों ने उनको नाको चने चबवाए बल्कि उनको पीछे धकेलते हुए 500 मुरब्बा मील से जायद का भारत इलाका कब्जे में ले लिया और उनकी बुजदिल कौम और बुजदिल अफवाज को अक़वामे मुत्तहिदा से सी फायर की भीख मांगना पड़ी। तो आइए देखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद असलम गुमन का मजीद क्या कहना था। हमें अपने पाक अफवाज पर फख्र है कि जो हर दुश्मन हर दहशतगर्दी और हर आफत का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।